त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 की मतगणना के दौरान जो प्रपत्र 43 से लेकर 51 तक भरे जाने हैं, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51, और इनमें से ये प्रपत्र किसके लिए, कौन सा प्रपत्र भरा जाएगा, कौन सा ग्राम पंचायत सदस्य के लिए भरा जाएगा, कौन सा ग्राम पंचायत प्रधान के लिए भरा जाएगा, कौन सा BDC के लिए भरा जाएगा, कौन सा DDC के लिए भरा जाएगा और ये प्रपत्र कब भरे जाएंगे, ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। जब आप वैध और अवैध मतपत्रों को छांट लेंगे उसके बाद में कौन से मतपत्र के ऊपर कौन सी पर्ची लगानी है या कौन सा प्रपत्र भरना है वो अब हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रत्येक उम्मीदवार के वैध मतपत्रों के बंडलों को एक साथ बांध दिया जाएगा, सबसे फर्स्ट बात यहाँ पर समझने की, और उस पर गणना पर्ची लगा दी जाएगी। और ये जो गणना पर्ची आपकी होगी वो परिशिष्ट 5 यानी कि प्रपत्र नंबर 43 लगाया जाएगा। ये सभी प्रपत्र हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। इसके बाद में जो भी आपके जिले में उस बंडल के कुल संख्या और उम्मीदवार का नाम लिखा जाएगा, संदिग्ध मतपत्रों का अलग बंडल बनाया जाएगा, उस पर पर्ची लगाई जाएगी और उस पर्ची पर शब्द संदिग्ध मतपत्र तथा संदिग्ध मतपत्रों की कुल संख्या लिखी जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर ये प्रपत्र बहुत महत्वपूर्ण है, फिर से बताना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं प्रपत्रों को आपको भरना होगा। मतपत्रों की गणना के बाद ग्राम पंचायत के सदस्यों और प्रधानों के मतों का विवरण क्रमशः, सबसे पहले आपको प्रपत्र नंबर 44 भरना है और प्रपत्र नंबर 44 में ग्राम पंचायत सदस्य के जो मतपत्र होंगे उनसे संबंधित ये प्रपत्र भरना होगा। यानी ग्राम पंचायत सदस्य के लिए प्रपत्र नंबर 44 भरा जाएगा, जबकि ग्राम प्रधान के लिए प्रपत्र नंबर 45 और 46 भरा जाएगा। इनको दोनों को याद रखना होगा। 45 और 46 ग्राम पंचायत प्रधान के लिए भरा जाएगा, जबकि प्रपत्र 44 ग्राम पंचायत सदस्य के लिए भरा जाएगा और अंकित किया जाएगा। इसके बाद क्षेत्र पंचायत और हम बात करें जिला पंचायत की, तो इसके लिए जो निर्धारित प्रारूप हैं वो क्रमशः आपको 47 और 48 जो आपके क्रमांक हैं, प्रपत्र नंबर 47 और 48 ये दोनों आपके भरे जाएंगे क्षेत्र पंचायत यानी कि BDC के लिए, और जबकि प्रपत्र नंबर 49, 50 और 51 3 ये भरे जाएंगे जिला पंचायत सदस्य यानी कि DDC के लिए भरे जाएंगे, अंकित किए जाएंगे। तो ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, इनको आप नोट भी कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रपत्र भरने हैं। इसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ मतगणना मेज से गणना पर्ची जो परिशिष्ट नंबर 4 होगा एवं मतपत्रों के बंडल प्राप्त होने पर गणना पर्यवेक्षक अस्वीकृत तथा संदिग्ध मतपत्रों के बंडल और गणना पर्ची के साथ विभिन्न उम्मीदवारों के वैध और अवैध मतपत्रों के बंडलों को RO एवं ARO को देंगे। इसके बाद में क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट में, अस्वीकृत किए जाने वाले मतपत्रों की जाँच निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी, और जहाँ कहीं आवश्यक होगा गणना पर्ची प्रपत्र 43, यहाँ से समझना है आपको, जहाँ भी आवश्यक होगा गणना पर्ची प्रपत्र नंबर 43 में संशोधन करेगा, परंतु इस संबंध में वह एक संक्षिप्त टिप्पणी भी अंकित करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वैध मतपत्रों की जांच हो जाने पर तथा आवश्यकता अनुसार प्रविष्टियों को शुद्ध किए जाने पर निर्वाचन अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा गणना का परिणाम लिखा जाएगा, ये यहाँ पर साफ साफ उल्लेखित किया गया है। इसके बाद में क्या है, मतपेटी में पाए गए मतपत्रों के संबंध में, मतपेटी में पाए गए मतपत्रों के संबंध में समस्त प्रविष्टियाँ पूरी हो जाने के बाद निर्वाचन अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार के लिए नियत स्तंभ में अंत में मतपत्रों की संख्या अंकित करेंगे, जिसके पश्चात प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में वैध और अस्वीकृत मतपत्रों के आंकड़े का योग किया जाएगा तथा मतपेटिकाओं के साथ प्राप्त मतपत्र के लेखा से मिलान किया जाएगा। यदि मिलान के समय मतपत्रों की संख्या में अंतर होता है तो निर्वाचन या सहायक निर्वाचन अधिकारी उसको मतपत्र लेखा भाग 2 जो होगा उसको अभिलिखित करेगा, उसमें अंकित करेगा। नेक्स्ट है, मतगणना समाप्त होने के उपरांत परिणाम की घोषणा संबंधित RO ARO द्वारा पूर्णतया संतुष्ट होने के उपरांत की जाएगी। इसके बाद यहीं पर एक और पॉइंट है, इसके उपरांत आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर मतगणना परिणाम तैयार कर विजयी उम्मीदवार को प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो भी प्रपत्र भरने हैं, इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, वीडियो छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और यहाँ पर जो भी जो कार्य करने हैं
आरओ किस प्रकार से उन्हें घोषित करेगा उन्हें आप जरूर देखिएगा।